हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आया हूँ, देखिए ये शेर काम का है। धीरे धीरे पहाड़ चढ़ रहा है, ये मतलब चाहिए कि बढ़िया ग्रोथ, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स। और क्या चाहिए होता है शेयर में, मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर मिल जाए तो बल्ले बल्ले। चलिए बात करते हैं कौन सा ये शेयर, और आज इसका क्वार्टरली रिजल्ट आया है उसके बारे में बात करते हैं इस छोटे से वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो ये देखिए, ये शेयर कोई और नहीं, मैं बात कर रहा हूँ एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक लिमिटेड 1996 में इस्टेब्लिश हुई थी, और मेनली जो है प्रो इंडिया प्लम्बिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम कंट्री में वही काम करती है एस्ट्रल पॉली। और अगर आप देखोगे भैया, ये इसकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है वो गुजरात में है और तमिलनाडु में है, जो कि प्लम्बिंग सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, जो पाइप्स होते हैं ना एस्ट्रल पॉली के नाम से, वो मेजर काम है। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको इसके फंडामेंटल, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल इसलिए कह रहे हैं इसका। देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 14,000 करोड़ के अराउंड है, और अगर आप देखोगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23%, रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के आसपास। लेकिन इसकी जो सेल्स ग्रोथ है ना वो बहुत ज़बरदस्त, 15% के आसपास, बढ़िया सेल्स ग्रोथ मैं कहूँगा इसकी। डेट देखिए ना के बराबर, 180 करोड़ के अराउंड डेट है, 14,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 180 करोड़ का डेट, तो कम डेट है ये। अर्निंग पर शेयर बढ़िया 16 रुपये के अराउंड है, लेकिन प्राइस के कंपेरिजन में अर्निंग पर शेयर थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी ओवरऑल बढ़िया मैं कहूँगा। एस्ट्रल पॉली इसका नाम है, अगर आप इसके वेबसाइट पर जाओगे एस्ट्रल पाइप्स में, देखिए सलमान खान जी इसके ब्रांड एम्बेसडर एस्ट्रल के नाम से, एस्ट्रल पॉली। अब अगर आप इसकी डिटेल देखें भैया, एस्ट्रल पाइप्स जो आती है, जैसा कि बिल्कुल भैया वर्ल्ड क्लास प्लम्बिंग, ड्रेनेज सब उसमें काम करता है एस्ट्रल पाइप्स, जो पीवीसी पाइप्स एंड ऑल जितने भी बनाता है ये एस्ट्रल पॉली। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ इसके रिजल्ट पे। रिजल्ट कब आया, आज आज रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 4 बजे के अराउंड रिजल्ट आया, मार्केट जब क्लोज हो चुकी थी उसके बाद रिजल्ट आया। रिजल्ट कैसा रहा वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको ये फिगर बताऊंगा कि ये सारी फिगर जो है लैक्स में है, लाख में है, हम इनको करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। तो देखिए ये जो डाटा है, टोटल इनकम है इसकी, देखिए 446 करोड़ की टोटल इनकम हुई इस क्वार्टर में, जो कि पिछले क्वार्टर में 440 करोड़ के आसपास थी, और लास्ट ईयर 395 करोड़ की थी। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा जंप दिख रहा है टोटल इनकम में, और क्वार्टरली बेसिस पे भी थोड़ा सा जंप देखने को मिला। अब मैं आपको चलता हूँ, लेके चलता हूँ कितने नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखें यहाँ पे 51,57,00,000 का नेट प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में 33 करोड़ था और लास्ट ईयर 31 करोड़ का था, तो इस बार कितना, 41 करोड़, 41,57,00,000। तो ओवरऑल जंप देखने को मिला, ऑलमोस्ट 10 करोड़ के आसपास का जंप मैं कहूँगा देखने को मिला है, जो कि बहुत बढ़िया है इस लेवल के शेयर के हिसाब से, बहुत बढ़िया है 10 करोड़ का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप, ओवरऑल वेरी गुड रिजल्ट मैं कहूँगा। इसका डायरेक्टली असर आपको कल की मार्केट यानी कि 12 फेब की मार्केट में देखने को मिलेगा। अब ये देखिए एस्ट्रल पॉली की अगर बात करें, ये शेयर देखिए 2014 में जिसकी प्राइसिंग थी, देखिए 100 रुपये का शेयर, आज की डेट में 1,000 रुपये का शेयर है, तो मतलब पिछले 5 साल में इसने आपके पैसे को 10 गुना 11 गुना कर दिया। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो इस रेंज पर आपको इसने रिटर्न दिया होता। और अभी कुछ टाइम पहले जब गिरावट आई थी तो देखिए ये शेयर 1-2 महीने में 1200 रुपये से गिर के ऑलमोस्ट 800 रुपये तक आ गया था, मतलब बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी थी जब इसमें 25% गिरावट देखने को मिली थी, वहाँ से अच्छा बाउंस बैक किया इस शेयर ने, अच्छा बाउंस बैक मैं कहूँगा। और ये शेयर देखिए वापस अपने 1200 के लेवल को हाई टच करके भी नीचे आया है। अभी ये एक इसने एक डबल टॉप पैटर्न काइंड ऑफ बनाया है, देखिए दो टॉप, और मैं कहूँगा रिजल्ट तो अच्छा है, शेयर में उछाल जरूर आएगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये ओवर वैल्यूड शेयर है। इसकी बाइंग प्राइस एक्चुअल ना हाई से, जो भी हाई बनाएगा अगला, ये वहाँ से 25% थोड़ा सा नीचे आए तो एक बढ़िया बाइंग प्राइस इसका देखने को मिलेगा। मतलब अगर इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो यही 1,000 रुपये के आसपास का इसका बाइंग प्राइस दिख रहा है, 950-1,000 रुपये के आसपास का बाइंग प्राइस दिख रहा है आने वाले कुछ टाइम में। और अगर एस्ट्रल पॉली की बात करते हैं तो बहुत बढ़िया क्वालिटी का शेयर है ये। और अगर इसके प्रमोटर होल्डिंग की बात करते हैं तो देखिए कुछ भी गिरवी नहीं रखा गया इसमें, देखिए प्रमोटर का 58.48% की होल्डिंग है, और स्टेडव्यू कैपिटल मॉरिसस लिमिटेड 8.51% के हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर की 11% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड की 11 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 93 FII ने 18% की इन्वेस्टमेंट कर रखी है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला ये शेयर है। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।